हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर में एक जो वॉल है जो हम लोग कुछ उसमें करने वाले थे हाईलाइट करने के लिए, तो वो पेंट करने के लिए आएंगे। सुबह सुबह आने वाले थे तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट बना के खा के ग्लफ को खिला के लंच बनाना, सब कुछ कंप्लीट करना है। अच्छा अच्छा, देखा अच्छी तुम्हें देखा अच्छी। अच्छा अच्छा अच्छा, है खुशी खुशी। और हाय बोले दाओ तो शायद फ्लाइंग किस। बोलो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। चलो चलो चलो, की खाबे? बोतल। बोतल खाबे? ब्रेकफास्ट की खाबे? पास्ता। पास्ता। अच्छा चलो पास्ता बनिए दो। अनेक दिन दिन पास्ता खाओ ना, एक महीने के ऊपर हो गया है एक लखू ने पास्ता नहीं खाया। चलो पास्ता बना के देते हैं। और ग्लॉको सुबह सुबह देखने बैठे हैं कि क्या डिलीवर हुआ है। मुझे लगता है फेक विंडो आया है, है। ना है। हमने ना सोफा हमारा जो इधर पे लगेगा ना इस जगह के, इसके ऊपर एक फेक विंडो ऑर्डर किया था येलो एंड ब्लू में, वही आया होगा शायद। भारी है ना एक तो। वाह ग्लॉको भले है, साइज से ठीक है। हाँ ठीक है, लाखो ये कपड़ गुलो फेलिश ना मैं लाख दे। इसका कलर बहुत प्रिटी लग रहा है। ये दोनों साइड में ऐसे आएगा और बीच में ये, इसमें कुछ फ्लावर ये सब भी रख सकते हैं। जी है कोरा जंगल, एक ना प्लस स्क्रू, एक ना प्लस स्क्रू, एक ना प्लस स्क्रू दिए से कि मामू इसको मतलब सजाने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। नहीं। वो ग्लाकू ही करती है और ग्लाकू ही निकालती है। अभी 2 मिनट में इसको उठा के फेंक देगा। देखो होएगा ना, बोर होएगा सर। अब मुझे है होएगा, बोर हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या चाहिए? की खावे सकाले? ग्लाकू ब्रेकफास्ट की खावे? ग्लाकू सकाले घूम के उठे ग्लाकू ब्रेकफास्ट की खावे? पास्ता। हाय मेरा दिमाग खराब कर रही है। देवो देवो बना अच्छी बना अच्छी। मैं ना आज 1 पॉट पास्ता बनाऊंगी। इसके लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में टमाटर, इस तरह से आप 1 पॉट बनाना, नहीं तो ना टमाटर और अनियन जो है ना वो कच्चा रह जाता है। तो देखो अब मैंने 2 टमाटर और 1 अनियन को ऐसे ऑलिव ऑयल में दोनों तरफ से एक एक दो दो मिनट के लिए सेक लिया है ताकि ये थोड़ा सा रोस्टेड फील करे। और इसके अंदर ना मैंने 7-8 लहसुन भी दिया था, तो अभी जो है ना इसके ऊपर का जो छिलका है ना उसको हम फेंक देंगे कि छिलका जो है ना वो घुलता नहीं है ग्रेवी में। इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल्स आपके मनपसंद ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, आप जुकीनी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऐड कर सकते हैं, ब्लैक ऑलिव बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी, दूध डालने से ये बहुत अच्छा बनता है। 1/2 कप दूध डाला है मैंने इसके अंदर और ये एक चीज़ क्यूब को मैं ऐसे तोड़ के डालूंगी ये जल्दी घुल मिल जाए। सॉल्ट, पेपर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स नहीं डाला है, आप लोग ज़रूर डालना, घर के लिए नहीं डाला है। तो इधर पे मैंने 2 कप पास्ता डाला है, 1 कप मिल्क डाला है और 2 कप मैं पानी डालूंगी। इस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसको अभी ढक के मैं 15 से 20 मिनट कुक करूँगी। डिपेंड कर रहा है कि आपका पास्ता कैसा है। जैसे ये पेनी पास्ता है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, पर ये सबसे ज़्यादा टेस्टी भी होता है। अनो ब्रांड की पास्ता है ये। पास्ता की खासियत ये होता है, मैंने बहुत बार आपके साथ ये शेयर किया है कि ये 100% डेराम वीट्स एंड सेमोलिना पास्ता होता है। तो अगर आपका बच्चा भी ग्लॉकू जैसा जिद करता है पास्ता खाना है पास्ता खाना है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड में जो है ना ये मैदा यूज़ नहीं होता है। और आपको पता है पास्ता इसीलिए ख़राब होता है क्योंकि वो मैदे से बनता है। तो अगर मैदे से ही नहीं बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं यही यूज़ करती हूँ जनरली। और वेट नहीं कर सकती है, ग्लॉकू बैठ गई है, खाना आने तक वेट नहीं कर सकती है क्योंकि आज पास्ता बन रहा है। वाइट मिक्स 1 पॉट पास्ता रेडी। और ग्लॉकू खा रहे से तबियत से, ग्लॉकू 1 सेकंड वेस्ट नहीं कर रही है, फटाफट खा रही है। थोड़ा सा मैंने ठंडा होने के लिए दूर रखा था, ग्लॉकू गरम गरम खा रही है ना। माँ भातो खूब पसंद पास्ता, भात माँ भलो हो
না বলছে তাহলে দিয়ে দাও ভালো হয়েছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ কুরানি আই হ্যাঁ হেয়ার প্যাক লাগানে দহি আর মধু হানি আর গ্লকো বলিয়ে খাবো কিন্তু দিদুর নে গলতি সে একবার টেস্ট করা দিয়া উসকো তো কেন দিয়েছো ওকে ওকে এখন ছাড়বে তুমি বল বস না তুমি ওকে লাগিয়ে দাও তারপরে লাগাচ্ছি গ্লকো চুল চুল হেয়ার হেয়ার প্যাক के बाद तो पूरा हेयर फॉल हो गया था उसके बाद ना हेयर आ गया था मेरा बहुत अच्छा छोटा 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 पर अभी इस घर में आके पता नहीं सब लोग ही बोल रहे थे बहुत ज़्यादा सबका हेयर फॉल हो रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है इन लोगों का तो वाटर सॉफ्टनर लगाने का भी बात था अभी लगाया है कि नहीं लगाया है वो भी पता नहीं PMS को फ़ोन करके अनिल ने आज पूछा तो PMS बोल रहे हैं कि वाटर का प्रॉब्लम है कि प्लांट का प्रॉब्लम है अनिल बोल रहे कि वाटर प्लांट लगाने की बात हुआ था वो लगाया क्या तो बोले हम प्लम्बर भेज दें कैसे समझाए ना वो समझ रहे हैं ना हम समझा पा रहे हैं अभी थोड़ा सा पैक वैक लगा के मुझे कुछ ठीक करना पड़ेगा देखो लगा भी हैं आरो लगा भी हमारा कोले बस भी बस ऊपर उठे बस ऊपर बस ले पड़े जा भी तो आरो उठे बस ऊपर आए ऊपर आए आए ऊपर आए हे ग्लाको सिंह हे पैचा सिंह तो इमा ग्लाको खाचिस ना कि नहीं नहीं है कर रही है कुकिंग आज बन रहा है गाठी आलू दम है ना गाठी दी दीजिए माँ तो गाठी जो है ना इसको हम गाठी बोलते हैं एक्चुअली ये जो है ना यम बोलते हैं शायद यहाँ पे यम की सब्जी ये बहुत फेमस है पर ये एक्चुअली बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स होता है खानी चाहिए आपको मैं अभी नहा के आऊँगी थोड़ी देर बाद उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी यही आज बनेगा हम जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे थे कि पेंटर आएगा पेंटर अभी भी कहाँ रंग खरीदने गया है उसके बाद एक घंटा लगाएगा अब बोलो अब पता है हमें ना फ्रेंड्स के घर में जाना था कल रात को मैं मिठाई विठाई लेके आई थी पर कल अनिर्वाण का अचानक से मीटिंग आ गया मतलब इनका ऑफिस का तो पूछो मत तो मिठाई भी फ्रिज में रख दिया है उनके घर में भी जाया करने जाना है फ्रिज का मिठाई लेके क्या करूँ कल जा ही नहीं पाई है बाबा है बाबा की चाय खाबे की खाबे की खाबे कौन सा लगा क्या जो हम लोग दिए थे अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पड़ा इसको स्टोको पेंट बोलते हैं और एक्चुअली हमें ओइकोस बोल के एक पेंट है वो कराना था पर वो कुछ मतलब सब लोग ऐसे बोले कि सुना नहीं ऐसा नहीं मतलब हच पच हो गया था तो फिर ये भी अच्छा लगा था तो ये करा कि दम एंड खिचड़ी विद चार घी बहुत अच्छा लग रहा है बसो ये बसो बसो ग्लॉको को लेके ना एक साथ खाना खाना बहुत डिफिकल्ट होता है बसो हमारे पास बसो এখানে বসো এই চাদরটায় বসো চল এই চাদরে বসো 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 আমি দিচ্ছি বসো দেখ দেখ গ্লাকো কি এসছে দেখ কি এসছে দেখ ये जो कलर है ना ये
ग्रे और स्काई का मिक्स है, ये था हमारा प्लानिंग। ये भी भगवान की जो जगह है उसके नीचे का स्टूल है। जूतोटा खोला, जूतोटा खोला। खूब सुंदर लग जाएगा वो आइटा। आज सब अच्छा अच्छा चीज़ हो रहा है ना। पेंटिंग जो है हमारा मनपसंद हुआ, अभी स्टूल भी लगता है मनपसंद ही हुआ है। हमारा थोड़ा सा ब्लू काइंड ऑफ मतलब थीम है, अच्छा लगता है मुझे ब्लू कलर घर के लिए। पैकिंग बहुत बढ़िया थी। हाँ, इसका प्राइस काफ़ी हाई था, 3,500 ऐसा कुछ था, जो नॉर्मल स्टूल से काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए पैकिंग भी अच्छा करना पड़ा। আমার হাতের মাপ বুঝলে তো, এই ऐसे ऐसे करके मैं माप लेती हूँ। सब लोग चौक जाते हैं। किसी एक फ्रेंड के घर में मुझे याद है, ऑर्नब दे पड़ी थी, मना छे मैंने बोला था कुछ 28 ऐसा कुछ बोला था, तो मापने के बाद आया 29। अच्छा बोशे रखो बोशे। अच्छा आगे ओगला कुछ सिंह बोश बे बोशो, ओगला कुछ सिंह बोशो। মালকী বসে আছে দেখো। আরে কোন দিকে সরো, মালকী বসে আছে। আ মালকী বসে আছে, বা 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 বা। তে আজকে এক ফ্রেন্ড কে ঘর মে জানি কি বাত থা, তো মিঠাই আর স্ন্যাক্স লেকে আই থি বিজয়া মে, হাম ইয়ে দেতে হ্যায়। ফির কিয়া হুয়া না, হাম লোগ জাস্ট আকে পার্কিং মে থে, অনির্বাণ নে বোলা কি নাই মিটিং আ ফির সে আ গয়া হ্যায় ঘর চলো। ফির ঘর চলে আয়ে, ফির মিঠাই মে ফ্রিজ মে রাখ দিয়া। আবি সুবহ সে পেইন্টার সুবহ আনে ওয়ালা থা, নাহি আয়া। अभी अनिर्वाण का आधा घंटा टाइम है, हमारे कॉम्प्लेक्स में ही है, देख के मिल के अनिर्वाण आ जाएगा, हम लोग थोड़ा सा बैठ के आएंगे। ये देखो हमारा बच्चों का जो पार्क है ना, ये ब्लैक कलर का देख रहे हो, इसके अंदर देखो ग्रीन कलर का कुछ डाल रहे हैं, इससे क्या हो ना ये स्लिप नहीं कट, मतलब अगर बच्चा गिरता है ना तो ऐसे बाउंस काउंड ऑफ होता है, तो उसका छिलता नहीं है। अभी अभी ग्लाकू धूम पटाश हुई है, अनिर्वाण ने हाथ छोड़ दिया था, उसको लगता है कि ग्लाकू बड़ी हो गई है। ग्लाकू सबको थैंक यू बोल रहे, पैर थोड़ा सा छिल गया है, थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, इतना सुंदर पार्क बना रहे हैं, है ना ग्लाकू सिंह। उसके लिए मम्मी पापा का हालत खराब हो गया है 3 साल से ये पार्क अरेंज करते करते। अनिर्वाण का मीटिंग है, बीटिंग है, ग्लाकू बोलते हैं बीटिंग, इसलिए अनिर्वाण ऊपर चला गया है। ऐसा लग रहा है वेजिटेबल्स दुकान में ना सब फ्री में मिल रहा है, और फ्रूट्स देखो कितना कम भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे साग वाग लेना था, पर इतना भीड़ है ना ग्लाकू को लेकर मुश्किल है, तो हम लोग चले आए। घर जाने से पहले सोचा कि ग्लाकू को थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं। ग्लाकू पोड़े जाबे, खुशी बसो, नामबे नामबे, चलो देखो एखाने कत बड़ मार, तुम्हें ओखाने बसे रखले हाय, चलो नामो 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 नामो, हाथ दो हाथ दो, आसो आसो नामो, पारबे जाम्प जाम्प जाम्प, आबार जाम्प 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 जाम्प, जाओ जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। बोलूं के दूध पियोगी, बस ग्लाकू समझ लेती है कि दूध बस ऐसे आ जाएगा, वो गरम होता है ना, ग्लाकू नहीं समझती है। बॉम बॉम किंतु ग्लाकू अच्छा था, देखी बॉम बॉम ही खा। शांति শান্তি, গরম লাগছে না? খাও খাও একটু, ওয়েট করো না তুমি গ্লাকু, দুধটা বার করে গরম করে দেবো তো, একটু টাইম লাগে না বলো, সুপার বিজি ড্রেস করনে কে লিয়ে। অ্যাকচুয়ালি মানে অনেস্টলি বলছি, অনির্বাণ কা না ইয়ে ফেভারিট আয়রন হ্যাঁ, তো উসকো আয়রন করনা ইসিলিয়ে বহুত পছন্দ হ্যায়। দেখো আপ মতলব ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড মে ইতনে আচ্ছে সে আয়রন হোতা হ্যায় না, ইয়ে স্টিম আয়রন হ্যায়, ये स्टीम आयरन है, इसमें इसका मेन जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना, इसका टेम्परेचर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, एंड इसका जो वेपर जो स्टीम जो निकलता है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इतना सारा फीचर्स
मैंने और भी दूसरा चीजें भी यूज किया। ये हमारा थर्ड वाला है जो सबसे अच्छा वाला यही है। ये है अगरो का रॉयल स्टीम आयरन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। हाँ। भी अगर चाहिए तो आप सब, अगर आपको बहुत अच्छा कुछ आयरन चाहिए तो आप ये लेना, बहुत अच्छा आयरन है। जो नेचुरल रेमेडीज में होता है ना वो और कहीं नहीं। देखो मैंने सुबह हेयर पैक लगाया था ना, कुछ नहीं, 2:1 में कर्ड और हनी लेना है, मतलब 2 चम्मच कर्ड 1 चम्मच हनी। मेरा शायद मम्मी ने थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में दिया होगा। कितना ग्लॉजी बन गया है हेयर, बाल कैसा लग रहा है चलो दिखाती हूँ। तो ये है लुक, कैसा लग रहा है बताओ। इधर कुछ फ़ोटो फ्रेम्स आएगा, मेरा YouTube का सिल्वर प्ले बटन आएगा और इधर छोटा सा एक टेबल जैसा आएगा, एंट्री वे टेबल जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से। मैं पूरा लाइट ऑन करती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। है ना बहुत खूबसूरत। इस वॉल के सामने जो है ना वो पिक्चर बहुत सुंदर आएगा, इस तरह से देखो, है ना, बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, है ना। आप भी ट्राई कर सकते हो। सो इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं। आज भी बहुत सारा काम था जो मैंने किया नहीं, जैसे लिप मार्क करना था और फ्लैग सीड का पोड़ी बनाना था, जो कल से सोच रही हूँ नहीं हो रहा है, पर वो बहुत बड़ा दो चीज़ हो गया। एक तो ओवल पेंट हो गया है और दूसरा जो है वो भगवान की पूरा जगह मैंने सेट कर लिया है। धीरे धीरे सब हो ही जाएगा। चलो फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।